यहाँ पे बच्चों आपके पास क्लास वर्क एक्सरसाइज 6 है, जिसका हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो काफी इजी है, लेकिन फिर भी हम आपको कर देते हैं। क्या लिखा है? इस एचपी में आपको पांचवा टर्म निकालना है। तो बच्चों जो एचपी है वो है 2/9। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 2/9, 4/17 और 1/4। बच्चों ये टर्म्स किस में है? एचपी में। अब बच्चों आप एचपी का और एनथ टर्म जानते नहीं हो, तो मैंने बताया था अगर सीरीज एचपी में होती है तो आप उसको रेसिप्रोकल करते हो। जैसे ही बच्चों आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो वो सीरीज एपी में हो जाएगी। अब आपको इस सीरीज का यानी इस एपी वाली सीरीज का पांचवा टर्म निकालना है। तो तुम कह सो एपी वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 9/2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 17/4 - 9/2। ये बच्चों कितना आएगा? -1/4। अच्छा एक बार करके चेक कर लेते हैं। वैसे बच्चों डायरेक्टली चेक कर लो। देखो डायरेक्टली हम लोग कैसे निकालते हैं बिना एलसीएम लिए। इसमें 2 का और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 17/4 - 18/4। तो कितना हो गया बच्चों? -1/4। ये ठीक। चलिए बच्चों अब हमको क्या निकालना है? इस एपी का पांचवा टर्म। तो पांचवा टर्म बच्चों क्या होगा? होगा फर्स्ट टर्म +5 - 1, यानी कि 4 × d। d है -1/4। तो बच्चे हो गया 9/2 - 1। 9 में से -2 कितना होता है? 7, 7/2। तो बच्चों इस एपी का पांचवा टर्म जो है वो 7/2 है। बच्चों ये तो एपी का पांचवा टर्म आपने निकालना है 7/2, है ना? लेकिन ये एपी का है, अगर आप उसको वापस एचपी में कन्वर्ट करोगे तो वो एचपी में होगा 2/7। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं सक्सेसफुली। देखते हैं इसमें क्या बेस्ट हो सकता है। देखा है, विच टर्म ऑफ द एचपी इज 1/201। तो बच्चों एचपी आपकी 1, 1/3, 1/5, ऐसे करके 1/201 पूछ रहा है। इस एचपी का कौन सा टर्म 1/201 है? तो बच्चों ये सारे टर्म्स किस में है? एचपी में है। अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दें तो ये सारे टर्म्स किस में हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली ये भी पूछ सकता हूँ कि बताओ एपी में ये 201 वाला टर्म कौन सा है, क्योंकि जो टर्म होगा वही टर्म सेम एचपी में भी हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि सर इसको तो क्लास 9-10 के हिसाब से कर लेते हैं, ये जो एपी का होगा वो एनथ टर्म होगा। तो एनथ टर्म बच्चों क्या होता है? एनथ टर्म होता है फर्स्ट टर्म +(n-1)(d) के बराबर होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200/2 = n-1। ठीक है, 200 - 1 200। तो बच्चों कितना हो गया? 100 = n-1, दैट इज n = 101। ये क्वेश्चन निकल कर क्या, जो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो आपने इससे पहले बता दिया कि एपी का ये कौन सा टर्म होगा? 101 टर्म होगा। तो यही सेम टर्म किसमें होगा? जीपी में भी होगा। और अगर सीरीज एचपी में होती तो एचपी में होता, तो ये तो एचपी में ही पूछा गया है, तो एचपी में 101 टर्म होगा। एक बार आंसर भी चेक कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, द 10th and 14th टर्म ऑफ एचपी आर दिस एंड दिस, फाइंड द nth टर्म ऑफ एचपी। कह रहा है कोई एचपी है, उस एचपी का पहला टर्म मान लो एक्स, या पहला टर्म मान लो ए, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, दूसरा टर्म मेरे को पता नहीं एचपी का, तीसरा टर्म मेरे को पता नहीं एचपी का, लेकिन मेरे को पहला टर्म पता था ए है, और मेरे को ये भी पता है कि जो उसका 10वां टर्म, उसे एचपी का जो 10वां टर्म है वो कितना है? 2/20। उसी तरह से मेरे को ये भी पता है कि इस सेम एचपी का जो 14वां टर्म वो कितना है? 2/14। द 10th and 14th टर्म ऑफ एच पी आर 2/29 and 2/41। कह रहा है कि बताओ इस एच पी का एनथ टर्म क्या होगा? तो
बच्चों एचपी तो आपने लिख रखी है। ध्यान से देखिए, अगर आप हर टर्म को रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि तो बच्चों अगर हमें क्वेश्चन को करना होता है तो हम क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे टर्म्स अभी किसमें है, एचपी में। अगर हम सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये एपी का 10वां टर्म हो जाएगा, और ये एपी का 14वां टर्म हो जाएगा। अभी किसमें हो गया बच्चों, एपी में हो गया। ठीक है, अब अगर ये एपी में है तो हम स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं कि जो एपी का 10वां टर्म है वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 10 माइनस 1 विच इज 9 × d, ऐसा लिख सकते हैं। फिर एपी का जो 14वां टर्म है बच्चों वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 14 माइनस 1 × d। हम बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सॉल्व करने के लिए हम इनको क्या करते हैं, आपस में माइनस करेंगे। जैसे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29/2 − 41/2। तो बच्चों ये कितना हुआ, -4 कितना आएगा बच्चों, चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने कहा 41 में से 29 माइनस करो तो कितना आएगा, 11 − 9 2, और ये हो गया 12। तो कितना आया बच्चों, ये माइनस का 12/2। क्या समझ में आया, तो बच्चों माइनस का 12/2 दैट मींस कितना आया, -6 इज इक्वल टू -4d। तो d कितना हो गया बच्चों, 6/4, यानी कि d हो गया आपका 3/2। तो बच्चों d तो निकल के आ गया। अब d आ गया तो हमारे पास क्या काम है बच्चों, कि हम यहाँ पर ए भी निकाल लें। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू किसकी, डी। तो डी कितना है, 3/2। तो बच्चों यहां से 29/2 − 27/2 इज इक्वल टू 1/8। 29 − 27 2/2 दैट इज 1/8 इज इक्वल टू 1। दैट मींस ए क्या आया बच्चों, 1 आया। बच्चों ये ए 1 आ गया और डी आप पहले से निकाल चुके थे। तो जो आपको एपी का nth टर्म अब आप निकाल सकते हैं। अगर आप एपी का nth टर्म निकाल देंगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एचपी का nth टर्म आ जाएगा। तो nth टर्म ऑफ एपी इज ए प्लस एन माइनस 1 × d। इसको सॉल्व करिए तो 1 + 3/2 n − 3/2, तो ये कितना हो गया, 1 − 3/2 कितना होता है, 1 − 3/2 बताइए, 1 − 3/2 कितना होता है, -1/2। तो आंसर कितना आया, 3 n − 1/2। तो बच्चों यही टर्म मेरे को एचपी में निकालना है, तो एचपी का जो एनर्ड टर्म होगा वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, वो 2/3 n − 1। तो बच्चों मेरे से पूछा गया था और ये मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, 2/3 n − 1। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को सक्सेसफुली समझ में आ गया। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, लिखा है बच्चों कि p − x/ax इज इक्वल टू p − y/by इज इक्वल टू p − z/cz। बच्चों ये एंड abc, ये ap में है, तो बच्चों ये भी ap में है, कैसा रिलेशन गिवन है। अच्छा ये रिलेशन गिवन है तो उसको k के बराबर मान लो, और क्या गिवन है, एंड का मतलब ए बी सी, किसमें, ए बी। तो बच्चों ये दो स्टेटमेंट है आपके पास, ये एपी में है और ये भी एपी में नहीं लिखा है, तो आप इसको एपी ना मानिए। आपके पास एक रिलेशन दिया कि आपस में इक्वल और एबीसी एपी में, तो बताओ एक्स वाई जेड एचपी में होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर ये टर्म्स एपी में होंगे तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आप लिखेंगे 2b = a + c। अब आप पूरी कोशिश करेंगे कि अगर एक्स वाई जेड में रिलेशन चाहिए तो आप फर्स्ट वाले रिलेशन को यूज करेंगे, वहां से ए बी सी की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जाएगा p − x/ax = k। ठीक है, p − y जो
जस्ट वेट, पेन की इंक खत्म हो गई। फुली बच्चों अब उसको अटेम्प्ट करते हैं, पेन की इंक वापस आ गई। तो उसमें लिखा है पी माइनस वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू के, फिर लिखा है पी माइनस जेड अपॉन सी जेड इज इक्वल टू के। उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं किसकी, मेरे पास डिजायर्ड इक्वेशन है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी। तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी पी, कोई बता सकता है बच्चा क्या ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो आप ए की वैल्यू बताएंगे ना वैसे ही वहां पे बी की वैसे ही सी की वैल्यू निकलेंगे। तो सर बहुत आसान, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो पी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स के हो जाएगा। तो सर आपको ए की वैल्यू चाहिए ना, वो पी माइनस एक्स अपॉन एक्स के आएगी, आएगी ना नहीं आएगी हाँ सर। वैसे ही आप बी की वैल्यू निकाल लीजिए सर। क्यों निकालना है सर, आपके पास इक्वेशन गिवन है ना टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसी से आप कुछ यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये यूज करने के लिए आपको एबीसी इस रिलेशन से ही तो निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं। चलिए, और बच्चों अगर आप पी निकाल लो वाई निकाल लो तो उसको प्लेस कहाँ करेंगे, कोई जगह तो है नहीं, जगह तो एबीसी प्लेस करने की है। तो फिर जल्दी से बता दो जरा, पी माइनस वाई अपॉन के वाई, उसके बाद सी की वैल्यू बताओ पी माइनस जेड अपॉन। के बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, एबीसी की वैल्यूज निकाला है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। टू बी बीस बीस बी पी माइनस वाई अपॉन के के वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी। ये बच्चों हो गया ए प्लस सी, जो आपको वो कैलकुलेशन थोड़ा तो आसान लग रहा होगा ना, क्योंकि के ये वाले टर्म्स से कैंसिल हो गए। क्या बचा बच्चों बताओ, बताते टू नहीं बी आप बच्चों, उसको अलग अलग ब्रेक कर रहे हैं। इसको लिख देते हैं पी अपॉन वाई माइनस वाई वाई अपॉन वाई, तो वन हो गया ठीक है। इसको लिखो पी अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वन एक्स, तो वन हो गया। इसको लिखो पी अपॉन जेड माइनस वन माइनस जेड अपॉन जेड, वन। तो तुमको सर टू से टू तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर भी माइनस टू उधर भी माइनस टू है। सब क्या आ गया, टू पी अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स प्लस पी अपॉन जेड। तो सर पी कॉमन लेके हम पूरा कैंसिल कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, टू अपॉन वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन जेड। तो सर यहाँ पे तो इस रिलेशन को देख करके ऐसा लगता है कि वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई और वन अपॉन जेड किसमें है, एपी में। क्योंकि बच्चों अगर ये तीन नंबर एपी में होते हैं तभी आप बीच वाले का डबल इज इक्वल टू बाकी दो का सम लिखते हो। इसका मतलब ये तीनों एपी में रहे होंगे तभी ऐसा रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो बच्चों वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड अगर एपी में है, तो दैट मीन्स अगर हम उनका एक्स वाई इज रेसिप्रोकल करते हैं तो वो किसमें होंगे, एच पी एच पी। तो बच्चों पूछा गया था एक्स वाई जेड फाइनली है किसमें, तो आप जवाब देंगे सर एच पी में। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पे आप पढ़ रहे हैं, और इसको लगातार देखिए कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे काम करने हैं। इसलिए आप क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखिए कि सर थ्योरी को किस तरह से चला रहे हैं, सर थ्योरी को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो बच्चों अब तक आपको एचपी का तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया हो गया होगा कि एचपी के क्वेश्चंस किस तरह से सर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है इसमें ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ये किसमें है, एचपी में, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन डेवलप करना है, तो बच्चों लिख लेते हैं। अगर ये नंबर्स एचपी में है तो वन अपॉन ए वन वन अपॉन ए टू वन अपॉन ए थ्री वन अपॉन ए एन, ये बच्चों किसमें होंगे, एपी में एपी होंगे। और बच्चों अगर ये नंबर्स एपी में है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि वन अपॉन ए टू माइनस वन अपॉन ए वन जो होगा वो वन अपॉन ए थ्री माइनस वन अपॉन ए टू। ये टू बच्चों सारी चीजें आपस में किसके इक्वल होंगी, के के की। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, ये लिखा क्या है, क्योंकि ऐसे ही टर्म्स आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट में है, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री। देखो बच्चों जब हम इसका एलसीएम लो तो एलसीएम लेने पर ये क्या आ जाएगा, ए वन ए टू, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ए वन माइनस ए टू आएगा, पक्की बात है ए वन माइनस ए टू। अब बताओ बच्चों क्या आएगा, ए टू ए थ्री, क्या आएगा ए टू माइनस ए थ्री। तो बच्चों ऐसे ही वैल्यू से चलती चली जाएंगे क्यों भाई, और ये के बराबर है।
है कि नहीं? अब बच्चों ध्यान से देखो कि आपको ए एन माइनस वन और ए एन जो लास्ट वाला टर्म है इसको भी देखना था, तो उसको भी आप अलग से देख लीजिए, नहीं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम ना हो। मैं लिख देता हूँ उसको भी, जरा वेट करिए क्योंकि वरना आप सोच कम पाते हैं। तो लास्ट वाला टर्म बच्चों क्या है, ए एन है, तो उससे पहले क्या होगा, ए एन एन माइनस माइनस वन। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आखिरी वाला टर्म माइनस उसके पहले वाला टर्म, ऐसे ऐसे तो लिखते हैं ना बच्चों। यहाँ पे ए एन माइनस वन हो गया और यहाँ पे ए एन हो गया, ठीक है। ये सब किसके इक्वल है बच्चों, सब इक्वल है ना, के, क्योंकि डिफरेंसेस सेम होते हैं, मैंने के मान लिया। तो बच्चों जब इसका आप एलसीएम लोगे ना, तो मेरे को एलसीएम जरा प्रॉपर लेके बता दो क्या आएगा, ए एन माइनस वन, नहीं समझे? हाँ इसका बच्चों एलसीएम लेके बताओ ना प्रॉपर क्या है, बताइए। एन ए एन माइनस माइनस वन वन क्या है, एन माइनस वन ए एन माइनस वन माइनस माइनस ए ए। यस, ये बच्चों सब के लिए, क्या तक सब समझ में आ गया? अब बच्चों देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ए वन ए टू आपको चाहिए, तो तुम कहोगे सर ए वन ए टू अगर हम पहले वाले टर्म को के बराबर करें, दूसरे वाले टर्म को के बराबर करें, तो हमको यहाँ से सबसे पहले ए वन ए टू मिल जाएगा। क्या आएगा ए वन ए टू, कहोगे सर ए ए वन वन माइनस माइनस ए ए टू टू अपॉन के। सर यहाँ से क्या आएगा, ए टू ए थ्री, तो क्या होगा, ए टू माइनस ए थ्री अपॉन के, ए यही तो आएगा। ऐसे करते करते बच्चों लास्ट वाले को भी इक्वल करिए, तो क्या आएगा, एन माइनस वन ए एन ए माइनस वन माइनस ए एन अपॉन के, ये किसके टू इक्वल होगा, ए एन एन ए इंटू एन ए एन माइनस वन। क्या तक समझ है? हाँ अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप ए वन ए टू प्लस ए टू ए थ्री ऐसे आपको ऐड करना है, कहाँ तक, ए एन माइनस वन ए एन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबकी वैल्यूज आपको पता है, ये है वन बाई के टाइम, सब में वन बाई के कॉमन है। सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, ए वन माइनस ए टू, फिर बच्चों क्या आएगा, ए टू माइनस ए थ्री, वन बाई के बच्चों सब में, ठीक है। तो सर आप टर्म्स ऊपर नीचे क्यों लिख रहे हैं, हमने कहा बेटा कैंसिलेशन करनी है ना, तो सिमेट्री से कैंसिलेशन होगा, तो इसीलिए हम सिमेट्री को यूज कर लेंगे और हमको डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि ऊपर नीचे लिखने पर आखिरी में कौन सा टर्म बचे। तो एन ये क्या हो माइनस गया वन बच्चों, ए एन माइनस वन माइनस माइनस ए ए एन। अब बच्चों आप कैंसिल करिए, आपको पूर्णतः आनंद आएगा इसमें, कहोगे सर हाँ इस तरह से यहाँ पे बारिश हो रही है और ये टर्म्स कैंसिल होना चालू हो रहे हैं। यस, तो बच्चों ये क्या हो गया, वन अपॉन के टाइम्स ए वन माइनस ए। तो बच्चों क्या हमारा प्रूफ हो गया क्या, कहोगे सर प्रूफ तो नहीं हुआ है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए वहां पे एन माइनस वन ए वन ए एन चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ए वन ए एन चाहिए, अब एक काम कर लो, यहाँ पर बच्चों क्या करो, ए वन ए एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है, जो है नहीं टर्म उसको मैंने अपियर करा दिया। अब देखो कहोगे सर अभी भी आया नहीं है, क्योंकि आपका के पता नहीं क्या है, पता ही नहीं है, ए वन ए एन को तो रिस्टोर करना है ना, तो हम ए वन ए एन को लिख देते हैं, के को लिख देते हैं। अंदर बच्चों देखो जरा क्या बचा, ए वन अपॉन ए वन ए एन, तो वन अपॉन ए एन माइनस ए एन अपॉन ए वन ए एन, यानी वन अपॉन ए वन, यहाँ तक ठीक है, अलग अलग अंदर ब्रेक कर दिया डब्बे के अंदर, नहीं समझे बच्चों, हाँ हो गया ए वन ए एन अपॉन के। तो बच्चों ये बताइए कि वन अपॉन ए वन, वन अपॉन ए टू, वन अपॉन ए थ्री, वन अपॉन ए एन, ये सब किसमें, एपी में, तो एपी का वन अपॉन ए एन क्या होगा बताइए, वन अपॉन ए एन किसके बराबर होगा, वो वन अपॉन ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा, नहीं लिख सकते। ध्यान से देखो ना, आपने लिखा था ना ये जो सीरीज है ये एपी में है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वन अपॉन ए थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, और ठीक वन है ठीक अपॉन ए एन को भी लिख सकते हैं कि वो वन अपॉन ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा, क्योंकि टर्म्स तो एपी में है ना, तो एपी में एन टर्म ऐसे ही तो लिखते हैं बच्चों, और कैसे लिखेंगे। तो बच्चे ये वाले टर्म्स आपस में कैंसिल होंगे, तो तुम कहोगे सर शायद हम लोग वहां तक पहुंच गए, क्योंकि एन माइनस वन चाहिए भी था, एन माइनस वन सर चाहिए भी था। सर इस के का क्या करें, के तो कटा ही नहीं, सर क्यों एन माइनस वन ए वन ए एन तो आ गया, लेकिन हम डी अपॉन के का क्या करें सर, डी अपॉन के, तो हमने कहा ध्यान से देखो के की वैल्यू तुम पुट कर दो, के की वैल्यू तुम पुट करो, जरा लिखना स्टार्ट करो, ये हो गया ए वन ए एन, ठीक है, एन माइनस वन यहां तक तो आ गया हमारा, तो डी अपॉन के है, क्यों भाई क्या है, डी डी अपॉन के, तो बच्चों के तो जानते हो ना भाई, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए,
के आप पहले से जानते हैं ना क्या है, के क्या है? एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड बच्चों ध्यान से देखना बच्चों। ये जो सीरीज है, ये आपने क्या लिखा था, एपी में सारे कॉमन डिफरेंस लिखे थे, तो 1/a2 - 1/a1, ये क्या था, के कॉमन डिफरेंस या के, एक ही बात हुई हाँ बच्चों, ये तो बात ध्यान से सुनिए बच्चों। ये जो डिफरेंस है ना, ये एपी का कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस है, आपने इसी वैल्यू को तो के लिखा था, ठीक है कॉमन डिफरेंस ही तो हुई है, समझ पा रहे हैं? हाँ तो बच्चों डी और के तो एक ही बात हो गई ना, तो कैंसिल हो गए, और जो कैंसिल हो गए तो ये हो गया हैंड स्कूप, नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, हम लोग सक्सेसफुली किया है, ऐसे लग रहा था बीच में अटकेगा, लेकिन क्वेश्चन फाइनली दे दनादन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है, पीएथ क्यूएथ आर एट टर्म्स ऑफ एचपी आर एबीसी रिस्पेक्टिवली, क्या कह रहा है? एचपी का पीएथ टर्म ए है, मेरे को तो एचपी पता ही नहीं, अगर अगर ये क्वेश्चन एपी में होता तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वगैरह लेट करते हैं ना भाई, किसी भी एपी का पीएथ टर्म लिखने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, उसी तरह से एचपी में लिखने के लिए हमें एचपी का फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो हमने फर्स्ट टर्म मान लिया एक्स, इस एचपी का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, फर्स्ट टर्म मतलब T1, और इस एचपी का जो पीएथ टर्म है वो कितना है, ए है, इसी तो लिखा है हाँ कि कोई एचपी है उसका पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म एबीसी है, तो एचपी का फर्स्ट टर्म मान लिया एक्स है, ये पीएथ टर्म है, और फिर ये इसका क्या टर्म है, क्यूएथ टर्म है, और फिर यहां पर क्या होगा, आरएथ टर्म बी हो, तो क्यूएथ टर्म है क्या बेटा, बी, और ये आरएथ टर्म है सी, नहीं समझे ओके बच्चों? अगर ये टर्म्स एचपी में है, किसमें है, एचपी में है ना, तो उनके रेसिप्रोकल किसमें होंगे, एपी एपी में होंगे, ये एपी का फर्स्ट टर्म, ये एपी नंबर का पीएथ टर्म, नहीं समझे, हाँ ये एपी का नंबर क्यूएथ तीन टर्म, ये एपी का आरएथ टर्म, आर अभी नहीं समझे? ओके तो हम धीरे से बच्चों लिखते क्या है, एचपी, लेकिन कन्वर्ट उसको किसमें कर देते हैं, एपी में, तो पीएथ टर्म हम कैसे लिखेंगे? तो सर पीएथ टर्म लिखना तो बहुत आसान है, सर पीएथ टर्म जो है वो लिखें, हाँ लिखो, एच एपी का, एपी में है ना, इस एपी का पीएथ टर्म लिखो, सर पीएथ टर्म जो है ना एपी का, वो है फर्स्ट टर्म नंबर प्लस पी सिक्स माइनस वन इंटू डी, ऐसे तो लिखेंगे, नहीं समझे? सर इस एपी का क्यूएथ टर्म कैसे लिखेंगे, 1/b इज इक्वल टू 1/x क्यू प्लस क्यू माइनस माइनस वन वन इंटू डी, सर इस एपी का आरएथ टर्म कैसे लिखेंगे, वन 1/c बाई इज इक्वल टू 1/x प्लस प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन बच्चों। अगर आपको पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन सही ढंग से पता पड़ गई है, तो आप देखो आपको प्रूफ क्या चाहिए, आपको बच्चों किसी भी हालत में क्यू माइनस आर बाई ए चाहिए, तो तुम कहोगे सर क्यू माइनस आर चाहिए, तो एक काम करिए सर, इन दो इक्वेशन को आप ले लीजिए और दोनों को आप माइनस कर दीजिए, जैसे ही बच्चों आप माइनस करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, सर कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/b - 1/c इज इक्वल टू डी टाइम्स क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस, यहां तक सबको समझ में आया, 1/b - 1/c इज इक्वल टू डी टाइम्स क्यू माइनस आर, तो बच्चों निकालना क्या है, सर हमको क्यू माइनस आर बाई ए चाहिए, ओके, तो क्यू माइनस आर तो मैंने निकाल दिया ना, क्यू माइनस आर बच्चों क्या है, जरा सही ढंग से लिखवा दो, ओके सर ये हो गया c - b / bc, और सर d को नीचे ले आइए, तो सर ये हो गया q - r, लेकिन सर आपको चाहिएगा q - r/a चाहिए ना, तो हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देते हैं, ए से, तो q - r/a, ये बात समझ में आई सबको कि हमने q - r/a कैसे निकाला, उसी तरीके से सिमिलर प्रोसेस से अब आपको चेक करना होगा कि आपको क्या चाहिए, आर माइनस पी, तो तुम कहोगे सर आर माइनस पी के लिए आप थर्ड माइनस फर्स्ट करोगे,
समझ रहे हो। और सर फिर पी माइनस क्यू चाहिए, सर पी माइनस क्यू के लिए आप सेकेंड फर्स्ट माइनस माइनस सेकेंड करोगे, तो सर इसी प्रोसेस से आपके पास आर माइनस पी बाई बी आ जाएगा, पी माइनस क्यू बाई सी आ जाएगा। फिर इन सबको उठा के क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे ऐड करोगे तो सारे टर्म्स बच्चों कैंसिल हो जाएंगे डब्बे के अंदर, समझ रहे हो। सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। और बच्चों चाहो तो हम ये क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बच्चों जो फर्स्ट माइनस सेकेंड आप जरा हमको बताइए कितना आएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड हम यहीं पे कर देते हैं। तो कहोगे सर 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू डी टाइम्स पी माइनस क्यू, सॉरी 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 क्या बताया, पी माइनस वन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं ना, माइनस क्यू प्लस वन। तो बच्चों कितना आ गया, ये बी माइनस ए अपॉन ए बी, डी को नीचे ले आओ और ये हो गया बच्चों पी माइनस क्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, पी माइनस क्यू बाई सी, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ सी से डिवाइड कर देंगे। बोलो भाई तो क्लियर है यहाँ तक। अब तुम कहो सर एक टर्म बस और चाहिए, वो भी आप बता दीजिए कौन सा चाहिए। सर आर माइनस पी चाहिए, क्या चाहिए, आर माइनस पी चाहिए, क्या चाहिए, आर माइनस पी चाहिए, ठीक है। आर माइनस पी के लिए क्या करेंगे बच्चों, थर्ड थर्ड माइनस सेकेंड, ठीक है बच्चों हम थर्ड माइनस सेकेंड भी यहीं पे कर लेते हैं, माइनस फर्स्ट आर माइनस पी, यस यस थर्ड माइनस फर्स्ट। बच्चों अपने आप कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, थर्ड माइनस फर्स्ट कैसे करेंगे, 1 बाई सी माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू डी टाइम्स आर माइनस वन माइनस पी प्लस वन, ठीक है। ए माइनस सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी टाइम्स आर माइनस पी। बच्चों डी की वैल्यू हो गई ए माइनस सी अपॉन ए सी टाइम्स आर माइनस पी, क्या तक समझ में आया, नहीं, डी थोड़ा निकालना था, आर माइनस पी निकालना था। तो कितना ए होगा, ए माइनस माइनस सी सी अपॉन ए ए सी सी इंटू डी डी। अब क्या चाहिए बच्चों, आर माइनस पी बाय बी, तो बी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे, तीनों को उठा के प्लस आपस में प्लस कर दो, जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी सी डी। देखो बच्चों सब में कॉमन है, देखो ए बी सी डी सब में कॉमन है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या आएगा, ए ए बी सी सी डी कॉमन अंदर क्या आएगा, सी माइनस माइनस बी ए माइनस सी पी माइनस नहीं बी माइनस ए, क्या आएगा बी माइनस बी माइनस ए, ठीक है। अपॉन नहीं कुछ तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इन रिलेशंस को आपस में ऐड कर दिया जो डब्बे के अंदर है, जैसे ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा ए माइनस सी, ठीक है, फिर सी माइनस बी फिर बी माइनस ए। तो बच्चों देखिए सारे टर्म्स क्या हो रही है, कैंसिल, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग रिजल्ट इज 0। कंफ्यूजन है तो बच्चों कैंसिल कर देता हूँ, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक। सिक्स क्वेश्चन भी फाइनली हो गया, सिक्स के बाद बच्चों कौन सा क्वेश्चन होगा, सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बच्चों लोग आ चुके हैं, लिखा है फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 1 बाई 16 एंड 1 बाई 6। देयर आर फाइंड टू नंबर्स बिटवीन 1 बाई 16 एंड 1 बाई 6 सच दैट, टू नंबर्स बच्चों एज्यूम कर लो ए और बी है, सच दैट फर्स्ट थ्री मे बी इन जीपी। बच्चों पहले तीन है वो जीपी में, ये जीपी में, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू 1 बाय 16 हो जाएगा इक्वेशन वन। एंड द लास्ट थ्री इन एचपी, बच्चों ये लास्ट थ्री एचपी में, ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अगर ए बी 1 बाय 6 किसमें बच्चों, एचपी में, तो बच्चे बच्चे वैसे मैंने जो सिखा रखा है कि टर्म्स एचपी में होते हैं, तो बीच वाला टर्म जो है मतलब अगर ए बी सी, बच्चों मैंने आपको रटवा भी रखा है कि अगर ए बी सी एचपी में होते हैं तो बी की वैल्यू होती है 2 ए सी अपॉन ए प्लस सी, याद है आप,
जैसे एबीसी एपी में होते हैं तो बी होता है ए प्लस सी बाई टू, एबीसी स्क्वायर जीपी में होते एसी हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, और एबीसी एचपी में होते हैं तो बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी होता है। आप इसको याद कर लो डायरेक्टली, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख लू उसको, मैं लिख लेता हूं कि बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, टू ए टू ए इंटू वन बाई सिक्स अपॉन ए प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है, क्योंकि सी की जगह वन बाई सिक्स है ना। नहीं हाँ समझे हाँ तो कहोगे सर इनका करें क्या, हमने कहा करना क्या है, तो नहीं काम करना है, बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 16 a² उठा के पुट कर दो, बी की वैल्यू है 16 a², ये बच्चों कितना आया, ये हो गया ए बाई थ्री, ये कितना हुआ 6a+1 अपॉन 6। जो धीरे धीरे कैलकुलेशन करना होता है, 6a 16a² इज इक्वल टू ए बाई थ्री। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा मेरा जल्दी लग रहा है तो हम सारे स्टेप्स लिख देते हैं, ठीक। 16a² इज इक्वल टू बच्चों कितना है, ये 2a, 2a टू तो हुआ क्योंकि 3 2 6 हो गया, अब तो इजी लग रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस और सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। तो कितना आया 8, कहोगे सर एक ए एबी भी को कैंसिल कैंसिल हो सकता है, सर एक ए भी कैंसिल हो सकता है, है तो ये मैथमेटिक्स ऐसे कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, चलिए कर लीजिए अभी, क्योंकि ए 0 तो आएगा नहीं। तो बच्चों क्या लिख दें हम सीधा सीधा यहाँ से, एक ए से ए भी क्या कर दें कैंसिल कर, कितना बचा ये बच्चों, इक्वल्स वन एट बाय ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 a+1। सिक्स अब चेक करो सही है, 8 6 48, a² + 8a = 1। अब चेक करो 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि 8 आ जाए, 12 4 जा 48 होता है जानते हैं, चलो तो 12a - 4a - 1 = 0। तो बच्चों हम यहाँ शॉर्टकट वाले फैक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि तो शॉर्टकट वाले फैक्टर तभी लिखते हैं जब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 हो, यहाँ पे 1 नहीं है, 48। 12 4 जा 48, कुछ कुछ गलत लिख दिया नहीं क्या, एक सेकंड बच्चों दोबारा लिख देते हैं, क्या कॉमन लिया, 12 कॉमन नहीं लिया, ए कॉमन लिया, तो 12 4 जा 48 अब सही है, प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स 4a+1 = 0। तो बच्चे यहां से ए की वैल्यू आई है 1/12 और -1/4, ये दो वैल्यूज हैं, ठीक। तो तुम कहोगे सर जो ए है ना वो पॉजिटिव ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ए क्या कर रहा है 1/16 और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो 1/16 भी पॉजिटिव नंबर है, बी भी पॉजिटिव नंबर रहा होगा, तो उनकी दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में एक नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इसलिए हम ए को पॉजिटिव ही लेंगे, ये बात क्लियर है, हाँ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है, वो बीच में है कहीं, क्यों भाई, तो मतलब होता है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर्स निकालते हैं तभी वो बीच में लाई करेगा, नेगेटिव निकाल लेंगे तो वहां से चला जाएगा, तो ए की वैल्यू 1/12 हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ए की वैल्यू बच्चों 1/12 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/12 × 1/12, दिस इज a² = b/16। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लें, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फोर वन फोर जा फोर, थ्री फोर थ्री जा ट्वेल्व, वन यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/9, ठीक है, नहीं समझ में, ओके आंसर इज 1/12 1/9, आंसर इज 1/12 1/9, और बच्चों 7th क्वेश्चन का आंसर सक्सेसफुली आ गया है, ठीक है, क्या आप समझ पाए।